मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 में हिंदी में 5 धरती की शान काव्य के बारे में पठन करवाऊंगी। इस काव्य के लेखक हैं पंडित भरत व्यास जी। यहाँ पे पंडित भरत व्यास जी के बारे में परिचय दिया गया है। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म यानी व्यास जी का जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। यह एक फिल्म का गीत है, उस फिल्म का नाम है गांव गोरी। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। अब हम काव्य शुरू करेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। क्या कह रहे हैं कवि कि भारत की संतान यानी हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, शान यानी गौरव। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है, ऐसे कवि कह रहे हैं। हे मनुष्य तू बहुत बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ठीक है, यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, पहाड़ यानी पर्वतों को फोड़ दे यानी तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों का बहाव की दिशा बदल सकता है, मुख यानी जो दिशा है नदियों की वो बदल सकता है, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, तू चाहे तो अंबर यानी आकाश, तू धरती को आकाश से जोड़ सकता है, तू मरकर भी अमर हो सकता है, तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, ऐसे कवि कह रहे हैं। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं, भूचाल यानी क्रोधित हो जाए, तेरी गति में भूचाल यानी तू जो क्रोधित हो जाए तो तेरी नैनों में जो ज्वाल, नैन यानी आग, नेत्र से ज्वाल यानी आग बरस सकती है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है, छिपा महाकाल यानी शिव, महाकाल यानी शिव, छाती में एक छिपा शिव बैठा हुआ है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। क्या कह रहा है कवि कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के पुत्र जैसे, कौन पृथ्वी का पुत्र, हिमालय, हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत, तो हिमालय का जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है।
तू अगर क्रोध में अपनी बाह तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नब से भी ऊंची उड़ान है। रे मनुष्य, तू बड़ा महान है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है, और आदमी को हैवान बनने को भी रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है, और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। मनुष्य, तू बड़ा महान है। अब यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। शान यानी वैभव गौरव, मुख यानी प्रवाह वहन, धरती यानी पृथ्वी धरा, अंबर यानी आकाश, नभ ज्वाल यानी अग्नि, भूचाल यानी भूकंप, भाल यानी ललाट, कपाल, भ्रुकुटी यानी भौं, काल यानी समय, मतिमान यानी बुद्धिमान। अस्तु।